सच्चे तो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारे ओ नी हमारी नई बॉडी तश्कील दी गई और जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया और मेरी टीम मेरे साथ है। ट्रेजर हमारे यूसुफ साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी बशीर साहब हैं, सेक्रेटरी बजाट साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट निगर सुल्ताना जी हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे चौधरी हनीफ साहब हैं। तो हमारे चीफ पैटर्न ट्रस्ट के जो है चौधरी मसूद साहब हैं और बाकी मेम्बरान हजरात आप देख रहे हैं हमारे साथ सारे साथी जो मिलकर जिन्होंने ये टीम नई तश्कील दी है और इंशाल्लाह हम अपनी इस टीम को साथ लेकर सारे मेंबरान को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने जिस मकासद के लिए ये ट्रस्ट बनाया गया था उस सोच को आगे बढ़ाते हुए पूरी कम्युनिटी के लिए हम जो काम करना चाहते हैं उनकी फलो बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी तालीम बेहतर कैसे हो सकती है। एक नई टीम एग्जीक्यूटिव बॉडी का बनना करार पाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों ने इत्तेफाक राय से इस टीम को चुना है। हमारी तवक्का इन सब से ये बहुत टेस्टेड हमारे दोस्त हैं और कंटेस्टेंट हैं और कारकुन हैं, तो हमारी सब की ये तवक्का रहेगी कि ये बढ़ चढ़ के काम करें। नाजरीन आदाब, आज गो गुजरी प्रोग्राम ले गए जावेद राही थारी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह जे तम जाने कि अपना इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात ना दावत देता रहा, मुख्तलिफ मौजूआत के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी पेश करता रहा और इसी तरह 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 का प्रोग्राम जड़ा है थारे वास्ते हम ले के आवा हमारी आवाज़ में। इसी सिलसिले ना आगे बताता वा, आज हमारे नाल तशरीफ रखे लगावा एक अहम शख्सियत मारी मारा कबीला की, जिन्होंने कि ना सिर्फ सियासत की मैदान में काफ़ी काम किया है बल्कि आवाम की बहबूदी वास्ते, इस्लाह वास्ते, चैरिटी में इस तरह का काम उन्होंने जोड़ा है मारूफ हैं, मशहूर हैं और एक पूरे मारो कबीलो जो उन्होंने नाँ तो वाकफ है। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल हमीद चौधरी साहब तो। जनाब अब्दुल हमीद चौधरी साहब, थारो इस्तकबाल है। शुक्रिया। इस महफिल में और इस प्रोग्राम में अब्दुल हमीद चौधरी साहब जोड़ा है वे बुनियादी तौर पर जम्मू नाल उन्होंने ताल्लुक है और एक अरसा तो सियासत के नाल भी वाबस्ता हैं और पिछले ध्याड़े जो इलेक्शन हुए गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि एक अहम हमारा कबीला की एक अहम आर्गनाइजेशन है, अहम तंजीम है, उसका ये चेयरमैन बन गया है। सब तो पहला तो हूँ पूछना चाहूँ जी कि मतलब गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ना बनया वा लगभग दो दहाकों तो उपर वो अरसो हो गया है और तम जड़ा है इस ना हूँ चेयरमैन कितना वा चेयरमैन है तम, मतलब थारा तो पहला कितना लोग रहे हैं और तम तमने कद शुरू की हुई है। एक तो जावेद राही साहब थारा शुक्रिया कि तमने हमने मौको दे तो इत अपना न्यू चैनल इंटरव्यू वास्ते। गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट 1992 च बनाया तो कायम हो और उसका पहला चेयरमैन जड़ा था एस चौधरी एहसान साहब था। एहसान साहब फिर बशीर रिटायर्ड सेशन जज जड़ा हो रहा है, चौधरी मसूद साहब रहे हैं काफ़ी अरसा तक, हाजी अला रहीम साहब रहे हैं और फिर हाजी हाशम अली साहब रहे हैं और मेरे तो पहला जरा था अली सैन हकला साहब रहे हैं। हाँ मसूद साहब भी रहे हैं जी, चौधरी मसूद साहब भी काफ़ी देर तक रहे हैं और फिर उन अली सैन हकला साहब था जिनको मैं चार्ज ले तो दिया। 17 तारीख पिछला महीना गिनो एक इलेक्शन हुई थी संडे नो, तो यूनानी मसली यह कह मैं खुशकिस्मत था कि यूनानी मसली जो है वो मैंने चेयरमैन मुनाकत की। के है जी गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी आर्गनाइजेशन को, पूरी तंजीम को जिगदे तम तारफ करवावें तो किस तरह करवावेंगा कि इसका शोभा जाते हैं कि काम हो रहा है। देखो बेसिकली क्या कि या गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखने को एक मकसद तो बहुत बड़ो कि हमारा जो कबीलो है हमारी जिस कौम तो वाबस्ता है वह बड़ी पिछड़ी भी कौम है और तालीमी मियार खासकर वो बहुत पिछड़ा ही, तो किसी शख्सियत ने कोई सोच आई होगी चौधरी मसूद साहब मैं ना लेना जरूरी समझूँ क्योंकि उन्होंने एक शुरुआत करवाई थी इसकी ट्रस्ट की कि क्यों ना एक NGO ऑर्गेनाइजेशन बना गए इसकी मदद की जाए और तालीमी मियार को किस तरह अपनी कौम अगर लिया जा सके और 1992 में ताई है जी इसकी अज बुनियाद रखी है। अच्छा। और इसके अंदर मुख्तलिफ शोभा जरा काम करें मैं
ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਥੋਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਗੋ ਲੋਕੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੋ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਮਾ ਔਰ ਅੰਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਓ। ਅੱਛਾ, ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਓ ਜਿਹੜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੈਮੋਰੀ ਖੁਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏ ਔਰ 1200-1300 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ